सभी को मेरा राम राम। आज हम सॉलिड ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, पिंड ज्योमेट्री। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसके क्वेश्चन बनते हैं, एग्ज़ाम में, कंपिटेटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं, और नाइन्थ और टेंथ क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है पिंड ज्योमेट्री को समझना। तो चलो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिंड। पिंड एक्चुअली में पिंड होता क्या है, पिंड किसे कहते हैं? तो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों हो उसको हम पिंड कहते हैं। कोई भी हो सकता है, सॉलिड जो है वो आप क्या ज्योमेट्री बॉक्स हो सकता है, ईंट हो सकता है, कोई डब्बा हो सकता है, कोई पिलर है, पिलर जो है उसको हम बेलन कहते हैं, ये भी उसमें आता है, सॉलिड ज्योमेट्री में आता है। कुछ भी है, जो भी हार्ड चीज़ है जिसके कि हम तीन तरह के नाप जिसके ले सकते हैं, उसकी लंबाई भी होनी चाहिए, चौड़ाई भी होनी चाहिए, मोटाई भी होनी चाहिए, तो अगर ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं तो वो है हमारा पिंड। अब पिंड में जो है वो क्या क्या चीज़ें हम कैसे उनको डिफाइन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आती है जो अलग अलग कर सकते हैं हम इनको। जैसे हम सबसे पहले हमारे पास आता है घनक्षेत्र। एक घनक्षेत्र है और उसको जो है हम वो समपार्श्व भी बोलते हैं, इंग्लिश में उसको प्रिज्म बोलते हैं, और हम घनक्षेत्र, एजी हल्का शब्द है, तो हम घनक्षेत्र को याद रख सकते हैं। तो घनक्षेत्र की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसके ऊपर और नीचे के भाग समान होते हैं। ये जो घनक्षेत्र होता है इसके ऊपर नीचे के भाग समान होते हैं, और इसके साथ वाले जो चित्र है वो आयत से बनते हैं और आमने सामने के भाग बराबर होते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक घनक्षेत्र। और जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये घनक्षेत्र है जो सामने आप आकृति देख रहे हैं, इस तरह की हो सकती है या इस तरह की हो सकती है, ये घनक्षेत्र। देखो इसके आमने सामने के भाग जो है बराबर है, ऊपर जो भाग है वो उसी तरह का नीचे है, जो साइड का जो भाग है उसी तरह का दूसरी साइड में भाग बना हुआ है। तो ये हमारा है घनक्षेत्र। घनक्षेत्र में और हम ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं इसमें समबाहु त्रिभुज घनक्षेत्र। ये जैसे आप देख रहे हैं ये समबाहु त्रिभुज घनक्षेत्र है, तो इसके ऊपर भी त्रिभुज बनी है, नीचे भी त्रिभुज बनी है, ठीक है। वर्ग घनक्षेत्र है, ऊपर भी वर्ग बना हुआ है, नीचे भी वर्ग बना हुआ है। पंचभुज घनक्षेत्र है, ऊपर पंचभुज बना हुआ है, नीचे भी पंचभुज बना हुआ है, और इसकी जो सात वाले जो इसकी साइडें हैं वो आयताकार होती है। इसका जो नाम लिया जाता है वो भी इसी तरह से लिया जाता है कि जो आकृति सिर पर बनी हुई हो, सिरे पर जो आकृति बनी हुई हो उसके अनुसार इस आकृति का नाम लिया जाता है। जैसे अगर ऊपर त्रिभुज है तो आधार पे भी त्रिभुज बनेगी, अगर शीर्ष पे वर्ग है तो आधार पे वर्ग बनेगा, अगर शीर्ष में पंचभुज है तो आधार पे भी पंचभुज बनेगा, और इसमें सम जो जितने भुज का होगा उतनी आयतें होगी। जैसे हम त्रिभुज से अगर लेते हैं तो अगर त्रिभुजाकार घनक्षेत्र है तो उसमें तीन समान आयतें होंगी, अगर वर्गाकार घनक्षेत्र है तो उसमें चार समान आयतें होंगी, और अगर पंचभुज घनक्षेत्र है तो उसमें पाँच समान आयते होंगे। तो इनको आगे जो डेफिनेशन बनती है घनक्षेत्र की, समबाहु त्रिभुज है या वर्गाकार घनक्षेत्र है या पंचभुज घनक्षेत्र है, तो जितने भुज का घनक्षेत्र होगा उसकी एकदम हमारे दिमाग में बात आनी चाहिए कि जितने भी भुज का घनक्षेत्र पूछा गया है तो उसके अगर घन पूछा गया तो ऊपर जो भाग होगा वही भाग नीचे बनेगा उसके, अगर और नाम भी उसका ऊपर वाली आकृति को देख के, जो सिरे पर आकृति को उसको देख लिया जाता है। और अगर जैसे दिमाग में आता है कि पंचभुज घनक्षेत्र पूछा गया तो ये वह घनक्षेत्र है, वह पिंड है जिसके सिरे पे और तल पे पंचभुज बनी हुई होगी और पांच समान आयतें बनी हुई होगी, तो उसको हम कह सकते हैं घनक्षेत्र। इसमें एक आता है, अगला है शुंडाकार। शुंडाकार भी बोल सकते हैं और हम सूची स्तंभ भी इसको बोलते हैं, किताबों में सूची स्तंभ भी इसका नाम लिखा गया है, इंग्लिश में जो इसको पिरामिड बोलते हैं। यह वह आकृति होती है जिसके आधार पर कोई समतल आकृति हो और उसके साथ वाले जो बगले होती साइडें हैं वो ऐसी समबाहु त्रिभुजें होती है जिनके शीर्ष एक बिंदु पर मिलते हो, इसका नाम आधार पर बनी आकृति के अनुसार होता है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं ये हमारी है त्रिभुज शुंडाकार, तो आधार पे त्रिभुज बनी है और तीनों भुजाएं सिरे पे मिली हुई, तो इसका नाम जो लिया जाता है वो आधार पे बनी आकृति,
कि इससे डिफरेंट है घन क्षेत्र से। घन क्षेत्र का जो नाम लिया जाता है वो सिरे पे जो आकृति बनी है उसके अनुसार लिया जाता है, और जो शुंडाकार है इसका जो नाम है वो तल पे जो आकृति बनी होती है उसके अनुसार लिया जाता है। जैसे आप वर्गाकार शुंडाकार होता है, वर्ग शुंडाकार, ये वर्ग नीचे बना हुआ है, ऊपर चारों जो भुजाएं वर्ग की होती है उनके चार कोण बनते हैं, तो चारों जो है वो एक शीर्ष पे सेंटर पे मिले हुए हैं, तो ये जो होता है इसको कहते हैं शीर्ष बिंदु। तो तल पे जो आकृति बनी है उसके अनुसार इसका नाम लिया जाए। जैसे पंचभुज शुंडाकार होता है तो नीचे पांच भुजाएं, पंचभुज बना हुआ होगा तल पे, इसके पांच कोण बनते हैं और पांचों कोणों की जो रेखाएं यदि हम ऊपर बढ़ाएं तो एक बिंदु पे मिलती है, शीर्ष बिंदु जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग हो जाता है हमारा। सबसे पहले तो पिंड है, पिंड के ये आगे भाग है, तो एक भाग हमारा आ जाता है घनक्षेत्र, दूसरा हमारे पास आ गया है शुंडाकार, तीसरा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, उस तो बहुत सारे भाग बन सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जितना हमारे से आज क्लियर होता है। तो जैसे हमारा हो सकता है इसमें गोला, इसमें जो गोल आकृति होती है जैसे कि गेंद होती है, गेंद की आकृति होती है, और आपने अगर टूर्नामेंट में देखा होगा छोटे बच्चे के लिए होता है फेंकने के लिए, जो अंडर 14 अंडर 19 के लिए होता है गोला फेंका जाता है, वो भी सॉलिड में होता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये वह पिंड है गेंद की भांति गोल है होता है तथा हर ओर से ये वृत्त का रूप बनता है, जहाँ से भी हम इसको देखते हैं ये हमेशा वृत्त के रूप में दिखे, हमें बिल्कुल गोल होता है तो जहाँ से भी देखोगे वहाँ से एक हमें वृत्त दिखाई देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं ये देखिए ये गोला है, बिल्कुल जिधर से को भी इसको आप पलटेंगे, जिधर को भी आप घुमाएंगे ये हमेशा गोल ही दिखेगा, और ये एक सॉलिड है, मजबूत है, तो इसलिए इसको भी हम जो है वो सॉलिड की श्रेणी में रखते हैं। जैसे भी आप देख रहे हैं बिल्कुल सही चीज़ है, बिल्कुल गोलाई में है, हर तरह से जिधर को घुमाएंगे हमें ये वृत्त दिखेगा, और इसको हम सॉलिड में इस तरह से डिफाइन करते हैं कि हर तरह से गोल होता है और जिधर से भी हम इसको बनाएंगे ये एक वृत्त बनता है। अगला हमारा आता है बेलन, ये वह पिंड है जो किसी आयत को इसके एक स्थिर भुजा पर घुमाने से बनता है, ये बिल्कुल गोल है जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हम सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे पिलर होता है तो है तो गोल होता है ठीक है, बट है सॉलिड है, गोलाई में भी है और सॉलिड भी है, तो जहाँ से भी हम इसको देखेंगे उसमें आयत बनेगी, जिधर से भी देखेंगे अगर हम इनको दो लाइनों में अगर हम इसको गोल पिलर को हम दिखाते हैं तो हमें दो ही लाइनें हम लगा सकते हैं, एक जिधर जितने हमें दिखता है पिलर तो एक आयत बनाता है, ये जो है एक आयत पे घूमता है, आयत की भुजा पर बनाता है, बिल्कुल गोल होता है और ऊपर और नीचे इसमें जो है वो वृत्त बने हुए, ऊपर भी वृत्त बनेगा नीचे, क्योंकि गोल वृत्त गोल अगर आपका पिलर है तो ऊपर भी उसमें वृत्त बनेगा नीचे भी इसमें वृत्त बनेगा, और बिल्कुल गोल होगा और सामने से हमें एक आयत जो है वो आयत की तरह दिखेगा, आयत की भुजा की तरह ये साथ दिखता हमें है। अगला हम इसमें एक पढ़ते हैं शंकु, ये वह पिंड है जो किसी समकोण को उसके समकोण वाली एक भुजा पर जो स्थिर रखी जाती है घूमने से बनती है, इसको हम कह सकते हैं कोण, या इजी भाषा में हम कह सकते हैं कि वह पिंड है जिसके आधार पर वृत्त बनता है और सिरे एक बिंदु पर होता है। तो इजी इसकी डेफिनेशन है कि सिरा एक बिंदु पे होता है और आधार पे एक वृत्त इसका बनता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा है कोण, ये मजबूत हो सकता है, मजबूत होता है, ये हो सकता नहीं बिल्कुल मजबूत होता है, तभी इसको जो है वो सॉलिड की श्रेणी में डाला गया है। तो ये हमारा एक सॉलिड का एक ये भी एक हिस्सा है, सॉलिड में इसको भी हम पढ़ते हैं, इसको भी डिफाइन करते हैं। एक हमारा आता है इसमें चतुष्फलक, यह वह पिंड है जो चार समबाहु त्रिभुजों से घिरा हुआ होता है, ये हमारा है चतुष्फलक। आप देख सकते हैं जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, ये चारों साइड से चार संभव त्रिभुज इसमें बने हुए हैं, तो इसको हम कह सकते हैं चतुष्फलक, ये भी बिल्कुल सॉलिड चीज मजबूत है। इसी में एक अगला आता है अष्टफलक, अष्टफलक की भी यही डेफिनेशन है कि ये वह पिंड है जो आठ संबाहु त्रिभुजों से घिरा हुआ, इसको हम कह सकते हैं अष्टफलक, ये आठ साइड से जो है वो
त्रिभुज चतुष्फलक चार साइड की से समबाहु त्रिभुज बन रही थी, इधर से भी देखो उधर से समबाहु त्रिभुज बन रही थी, और चार इसमें समबाहु त्रिभुज होती है, और जो अष्टफलक है इसमें आठ समबाहु त्रिभुज होती है, और जिधर से भी आप देखेंगे उधर से इसमें एक त्रिभुज आपको दिखाई देगी, वो भी समबाहु होगी। लास्ट हम इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं, घनाभ। घनाभ होता है कि प्रत्येक घनाभ में छह फलके होती है, और प्रत्येक आमने सामने की फलक क्षेत्रफल के में बराबर होती है, फलक होती है साइड, इंग्लिश में इसको साइड कहते हैं। तो इसमें जो घनाभ होता है इसमें छह साइडें होती है, और आमने सामने की जो साइड होगी उनके जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा बराबर होता है। तो ये हमारा सॉलिड का कुछ पार्ट था। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल ड्राइंग।